Hello, my name is Meeni Sethi. Today I am going to discuss about demonstration method of teaching. अब demonstration method of teaching क्या बोलता है? Teaching by use of visual aids. इसमें teacher क्या कर रहा है? पढ़ाने के लिए कई तरह के visual aids का use कर रहा है. Mean simply teacher lecture नहीं दे रहा है इसमें. Simply teacher explain नहीं कर रहा, बल्कि वो बच्चों को दिखा रहा है. फ्लिप चार्ट दिखा रहा है बच्चों, कुछ पोस्टर दिखा रहा है, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर पर दिखा रहा है उनको. कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में ले जाकर, या किसी डिवाइस को ऑपरेट करके बता रहा है. ठीक है, इसमें टीचर क्या कर रहा है? सिंपली बच्चों को लेक्चर नहीं दे रहा, बल्कि एक्सप्लेन करने के साथ साथ, लेक्चर देने के साथ साथ बच्चों को कई चीजों के डेमो भी दिखा रहा है. जैसे फ्लिप चार्ट दिखा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोस्टर दिखा रहा है, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, कई तरह के क्या करे डिवाइस ऑपरेट करके भी बता रहा है, कई तरह के एक्सपेरिमेंट करा रहा है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक टीचर बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रही है? एक टीचर बच्चों को जाइलोफोन के बारे में बताना चाह रही है. टीचर क्या कर रही है? बच्चों को जाइलोफोन के बारे में बताना चाह रही है. एक तो सिंपली टीचर क्या करती है, जाइलोफोन को दिखाती नहीं है, सिंपली एक्सप्लेन करती है जाइलोफोन क्या है. एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट ट्यून्स को प्ले कर सकते हो. ठीक है, ये तो हो गया लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर कुछ दिखा नहीं रही, सिंपली बोल रही है. अब टीचर क्या कर रही है? एक्सप्लेन करने के साथ साथ बच्चों को दिखाती है, देखो जाइलोफोन ऐसा दिखता है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्यून को प्ले कर सकते हो, कुछ ट्यून्स उनको प्ले करके बताती भी है. तो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया. इसमें टीचर क्या कर रही है? डिवाइस को प्ले करके बच्चों को बता रही है कि कैसे कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट ट्यून्स को प्ले कर सकते हो. इसी तरह से टीचर क्या करती है, एक तो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का एक थ्योरेटिकल बच्चों को बता देते हैं. कंप्यूटर में माउस होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड होता है. एक क्या करती है, बच्चों को लैब में ले जाकर उन्हें क्या करती है, कंप्यूटर को ऑपरेट करना बताती है. चिल्ला कंप्यूटर को कैसे आपको ऑपरेट करना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का डेमो दिखाती है, बताती है इसको माउस बोलते हैं, इसको कीबोर्ड बोलते हैं. तो इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. इसी तरह से एक टीचर सिंपल बोलती है अंडर वाटर कैंडल एक्सपेरिमेंट क्या होता है. ठीक है, और एक टीचर क्या करती है, लैब में ले जाके अंडर वाटर कैंडल एक्सपेरिमेंट बच्चों को करके दिखाती है. तो वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है. इसमें आप फ्लिप चार्ट का, पोस्टर का, प्रोजेक्टर का, कई तरह का एक्सपेरिमेंट, कई तरह की डिवाइस को प्ले करना, ऑपरेट करना, बच्चों को दिखाते हो, उनके सामने डेमो दिखाते हो, तो उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर को बेसिकली कौन कौन से स्टेप होते हैं? ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें तो इसमें पहले टीचर को प्लानिंग करनी पड़ती है. ओके, क्योंकि आपको डिवाइस को ऑपरेट करना है, बच्चे को एक्सपेरिमेंट बताने हैं, तो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए बच्चों को पहले से बहुत सारी डिवाइस भी चाहिए. ठीक है, इसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है. और टीचर खुद भी अगर पहली बार बच्चों को वो डेमो दे रही है, तो उसे खुद भी रिहर्सल करनी पड़ेगी इस चीज की. ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है परफॉर्मिंग. अब परफॉर्मेंस में क्या होता है, वो कहते हैं जब भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टीचर अडॉप्ट करे तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना है. ठीक है, इसमें क्लास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में होता है बच्चे ज्यादा शोर मचा सकते हैं, लेकिन टीचर का एटीट्यूड इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. उसके बाद लास्ट में टीचर को क्या करना है, इवेल्युएशन करना है, देखना है कि टीचर ने जो मेथड को अडॉप्ट करा, क्या बच्चों की लर्निंग में इसमें कुछ, इससे बच्चे लर्न कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, इससे उनकी लर्निंग इंप्रूव हो भी रही है या फिर नहीं हो रही. ठीक है, आई थिंक आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड समझ में आया होगा.